नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का जो पहला पेपर है सभी के लिए कॉमन पेपर, उसी में ही जो टॉपिक दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा ये जो टॉपिक दे रखा है इसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक विकास टॉपिक जो है, इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, या अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं, वो इसी में मेन टॉपिक आता है, उसी पर आधारित जो है हम देखेंगे आज के इस वीडियो में 30 जो है वो प्रश्न। साथ ही साथ एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था संविधान पर आधारित देखा था, यदि आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 30 प्रश्नों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल जो है वो कौन सा नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सामाजिक और सामुदायिक जो सेवाएं हैं उन पर व्यय, या फिर राज्य जो है उनके लिए अनुदान, रक्षा व्यय या आर्थिक सेवाओं पर व्यय। केंद्र सरकार के विकास जो व्यय होते हैं ना, उनमें से कौन सा है इनमें से व्यय जो है वो नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं जो है इन पर व्यय केंद्र सरकार करती है, राज्यों के लिए अनुदान देती है। रक्षा व्यय और आर्थिक सेवाओं पर व्यय में आंसर की बात करते हैं तो रक्षा व्यय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है विकास व्यय के संदर्भ में। विकास व्यय क्या है? सरकार का वो व्यय जिसमें देश का उत्पादन हो, वास्तविक जो आय है उसको बढ़ाने को लेकर बात की जाए, तो इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है उत्पादक व्यय। तो ये जो है आपका अर्थव्यवस्था के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद जो है वो करता है। रक्षा व्यय ये किसी भी प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित नहीं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो हैं, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नहीं जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो प्रोफेसर जे के मेहता जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने अर्थशास्त्र जो है उसको एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला बताया है, और ये सब अपना अध्ययन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बताते हैं, इसी को ही इसीलिए आवश्यकता विहीनता सिद्धांत जो है वो कहते हैं। और ये जो प्रोफेसर मेहता थे, ये महात्मा गांधी जी जो है उनके विचारों से भी काफी प्रभावित थे। ये अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों में ही एक महान विद्वान के रूप में जाने जाते थे। तीसरा प्रश्न है कि सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र या फिर परिवार, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो परिवार जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सकल घरेलू बचत इसमें जो प्रमुख योगदान करता है वो जो है वो परिवार जो है आप शामिल करेंगे, और परिवार की जो आय होती है ना उसी से ही तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो निकाली जाती है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हुए हैं? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर जो है वो कौन सा होगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला, दूसरा और चौथा वाला, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। पहले, दूसरे, चौथे में आपका ये तीनों आते हैं, पर सेवाएं जो है वो नहीं आता है। प्रश्न में आपसे थोक मूल्य सूचकांक के घटक जो है वो पूछे गए थे। अगला देखते हैं पांचवा, कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कहते किसे हैं अगर इसको बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या सघनता, तो इसी को हम जनघनत्व के नाम से भी जानते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में
रहने वाले व्यक्तियों की जो कुल संख्या होती है ना, उसे हम कहते हैं जनघनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, तो आपका पहले नंबर पर तो बिहार आता है, पर बिहार ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अगर बात करें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका पश्चिम बंगाल जो है वो सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जो प्रथम नंबर पर होता है वो ना दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न, कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 से लेकर के 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो थी। नागालैंड, गोवा, सिक्किम या केरल, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो नागालैंड आपका भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य था जिसकी जो दशकीय वृद्धि दर थी वो आपकी माइनस में रही थी, ऋणात्मक रही थी। यही प्रश्न में जो है वो पूछा गया है, कितनी रही थी, तो माइनस का 0.61% जो है वो रही थी। भारत की अगर वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 1.97% जो है इससे घटकर 1.64% जो है वो हो गई है। और भारत की अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 17.7% जो है वो है। क्योंकि जनगणना से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये बेसिक चीजें आपको रटी होनी चाहिए। सातवां प्रश्न देखते हैं कि दो या फिर अधिक जो देश हैं उनके मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है। चार ऑप्शन है, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार, बताना इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग जो है वो करते रहेगा, ताकि इसी प्रकार जो भी कोर्स में प्रश्न है सबकी प्रैक्टिस हम कराते रहें। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए 372, 362, 382 या 225, कौन सा जो है वो सही होगा। जनसंख्या घनत्व मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व जो कहलाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 382 आपको याद रखना है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इससे पहले कंपैरिजन करके भी पूछा जाता है, वो सारी चीजें आप अलग से यानी से पिछले के आंकड़े भी देख सकते हैं। नौ प्रश्न, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में जो है वो हुई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए 1852, 1872, 1881 या 1952, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो पहली जो जनगणना थी वो ब्रिटिश काल में हुई थी, या ब्रिटिश भारत के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है इनका जो टाइम था लॉर्ड मेयो का वो था 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी, तो इसी समय में इनका टाइम था लॉर्ड मेयो का। इन्हीं के शासनकाल में 1872 सन याद रखना है आपको, 1872 ईस्वी में जो है वो भारत में जो जनगणना थी, पहली जनगणना आप कहेंगे वो जो है वो हुई थी। लेकिन भारत में अगर दशकीय जनगणना आपसे पूछी जाए तो उसकी जो शुरुआत थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। आंसर में यानी कि जो प्रश्न होगा वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई।
भारत में सबसे पहली जनगणना किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जो है वो हुई थी। और जो दसकीय जनगणना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि पहले 10 वर्ष पर भारत में जनगणना जो है वो हो रही थी। और 2011 की जनगणना, 10 की जनगणना तो अभी भी होती है। कहने का मतलब है कि जो भारत में 10 की जनगणना है उसकी शुरुआत यहां से हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम से। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना जो है वो होने लगी थी। और 2011 की जनगणना जो है वो भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इस चीज को ध्यान दीजिए कि भारत की जो सबसे लेटेस्ट की अभी तक जो चल रही है, अभी तक पेपर में आती है 2011 की जनगणना, वो भारत की जो है वो 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जो है वो जनगणना है। 10वां प्रश्न है, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? चार ऑप्शन है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। जन्म दर से अभिप्राय आपसे जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्म जीवित बच्चों की संख्या। डी वाला आपका ऑप्शन सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है? फुल फॉर्म आपको बतानी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम या फिर नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसे हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वो की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? जो बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही थी ना, उसको नियंत्रित करना इसका मेन लक्ष्य जो है वो था। 12 नंबर प्रश्न है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, इनमें से कौन अर्थशास्त्री नहीं है वो आपको जो है ये बताना है। चार नाम दे रखे हैं, आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन प्रशांत चंद्र महान लोबिस जो है वो सही हो जाएगा, जो कि अर्थशास्त्री नहीं है, जो ऊपर कथन दे रखा था इसके अकॉर्डिंग। इन्होंने 1949 में, जो अर्थशास्त्री हैं महान लोबिस, इन्होंने अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति इसकी जो है वो नियुक्ति की थी। 13 नंबर प्रश्न है, 1991 की नई उदार आर्थिक जो नीति है उसके परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, तो औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण, इस टाइप से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका आंसर की बात करते हैं तो आपका औद्योगिकीकरण जो है वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1990 जो समय था, ये 1991 के आसपास का, इसमें आर्थिक संकट का सामना करने के लिए जो भारत सरकार थी उन्होंने कई आर्थिक जो सुधार कार्यक्रम थे वो स्टार्ट किए थे, उसे ही हम नई आर्थिक नीति जो है इसके नाम से जो है वो जानते हैं। तो औद्योगिकीकरण जो है इसकी अगर बात करें तो ये एक प्रकार की नीति थी जो कि इस 1991 जो है इसके पश्चात भारत में जो औद्योगिकरण विकास है वो बहुत तीव्र गति से जो है वो हुआ था, तो यही मेन इसका लक्ष्य जो है इसमें रखा गया था। इसमें परसेंटेज भी बताया गया था कि 1991 से पहले ये परसेंटेज जो वृद्धि दर थी इसी औद्योगिक नीति की वो 4% थी, पर इसके बाद जो है ये औद्योगिक नीति बढ़कर 6.5% तक जो है वो पहुंच गई थी। 14 प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो यहाँ पर करने वाली संस्था है वो यहाँ पर पूछी गई है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है
इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है वो जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो किया जाता है। मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में जो है वो है। कार्य की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये भारत सरकार के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। अगला देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न है कि इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो वित्त मंत्रालय आपका जो है वो सही हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है जिसे हम आर्थिक समीक्षा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थिक समीक्षा, ये जो वित्त मंत्रालय इसी के द्वारा प्रकाशित होता है और तैयार किया जाता है किसके द्वारा ये दस्तावेज, तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उसके द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ये आपका सही हो जाएगा। और जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी, तो 2012 से 2017 तक लक्ष्य रखा गया था इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का। बाद में आप सभी को बताया योजना आयोग जो है वो बना दिया गया था, जो कि फिर पंचवर्षीय योजना जो थी उनको समाप्त कर दिया गया था। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको, टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी, कौन सा इनमें से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुजारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है रोजगार, बाकी टोकरी बुनने वाला या माली हो गया, कुम्हार हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था आप कहेंगे, अब वो क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक जो संसाधन होता है उनका सीधा उपयोग करता है, इसमें कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन हो गया, ये सब जो है वो आ जाता है। अब जैसे पुजारी है तो इसका जो पूजा पाठ वगैरह है वो इसमें जो है वो नहीं आता है, क्योंकि ये एक तरह की क्या है, सेवा होती है, इसके बदले वो अपनी आय जो है वो प्राप्त करता है, या ये कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पुजारी जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। 18 नंबर प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय आय है उसको प्रायः क्या कहा जाता है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो है वो कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, पांचवी, तीसरी, चौथी या छठी, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 1971 जो है इसके आम चुनाव में इंदिरा गांधी जो है इनका प्रमुख जो है वो नारा था। बाद में जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए तो उन्होंने इस नारे का यूज किया था, और इस नारे का जो प्रयोग है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी जो है वो किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर जो है वो बनी हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी, बताइए। इस समय तो एकदम इसका अपर लेवल वाला रूप जो है वो दिख रहा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो शिक्षित बेरोजगारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन
धारक जो छात्र हैं वो बेरोजगार हैं। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित होती है किससे किससे होती है? कृषि से होती है, ग्रामीण से होती है, विनिर्माण से होती है, शहरी से। इस टाइप से चार यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है सही कौन कौन से होंगे। पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा। यूपी पीसीएस में देखिए प्रश्न आया था, एक से एक बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में लिखा हुआ है स्नातक स्तर तक के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, बाकी पूछा भले कक्षा 10-12 के चाहे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही होगा, यानी कि कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र ये दो जो क्षेत्र हैं उसमें भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है या दिखती है, इसी को हम प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? चार यहां पर ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि संरचनात्मक बेरोजगारी का रीजन जो है इसमें आ जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी आपको दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र में पूछा है शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो शिक्षित बेरोजगारी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में हर चौथा व्यक्ति शिक्षित है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां डैश। प्रचंड मैंने पहले ही ऊपर बता दिया कि प्रचंड बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी भी जो है वो कहते हैं, तो पूछा इसका अर्थ सामान्यता है जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो, बेरोजगार लिखा हुआ है ये बेरोजगार है। अगला है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ। 25 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? मौसमी, प्रचंड, शैक्षिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर दो ऐसे ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक ये छिपी हुई बेरोजगारी वाला और एक शैक्षिक वाला। मौसमी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं, तो इतनी सब डिग्री होने के बावजूद युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये शैक्षिक बेरोजगारी में ही जो है वो आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पुस्तक का नाम यहाँ पर पूछा गया है। उत्तर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इनकी जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आप बिल्कुल रटिएगा, एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए। पूछ लिया जाए आपसे किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इनका कौन सा सिद्धांत है? तो धन का पलायन सिद्धांत है इन्हीं का जो है वो है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सभी का बराबर है? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि तृतीय क्षेत्र आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि दो प्रश्न आए हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश में कहते हैं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको कच्चे तौर
कच्चे माल के तौर पर यूज किया जाए, जैसे उत्खनन हो गया, कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जो है इसमें आते हैं। तो द्वितीयक जो क्षेत्र होता है इसकी अगर बात करें, इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, वो क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह यूज करता है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लौह और इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, इस टाइप से। तीसरा जो तृतीयक क्षेत्र है ये आपका जो सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। सेवाएं कैसी, जैसे बैंकिंग एक सेवा है, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सब। अब तीनों आपने समझ लिए, अब बताइए भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। अब बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका जो है सबसे कम योगदान है, जिसमें आपका मछली पालन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सब चीजें जो है वो आती है। तो मेन चीजें अंदर का पॉइंट मेन पता होना चाहिए। और सर्वाधिक योगदान मैंने आपको तीसरा क्षेत्र बताया था, तृतीयक क्षेत्र में ही सभी प्रकार की जो सेवाएं देने वाली होती हैं वो आती है, जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, तो ये सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं सबका तो होता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन है और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि टोटल 30 प्रश्न कहे थे, जो 30 वाला प्रश्न है वो हम आपसे जो है वो पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी श्रेय अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका प्रश्न है। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद यही प्रश्न ऊपर एक दूसरे तरीके से पूछा भी गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है इसके द्वारा की जाती है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा देख सके। तो प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिहार ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ऑप्शन बी, झारखंड ऑप्शन सी, उड़ीसा ऑप्शन डी। बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।